हेल्दी और फिट रहने के लिए जो हम फिटनेस डिवाइसेस यूज करते हैं, जो कि हमें ऑन ट्रैक और अकाउंटेबल रहने में हेल्प करते हैं, लेकिन इसके बिताए हुए डेटा क्या रिलायबल है, क्या हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, इसमें जो कैलोरी बर्निंग, हार्ट रेट और स्टेप काउंट दिखाते हैं वो कितने सही है, उसकी बात करने वाले हम आज के वीडियो में। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज दीपक स्कूल, वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उसी तरह से हम भी अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं, हम भी स्मार्ट बनते जा रहे हैं और खुद को फिट और हेल्दी बनाने के लिए फिटनेस बैंड, फिटनेस वॉच और बहुत सारी हेल्थ एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग फिटनेस ट्रैकर्स को खरीद रहे हैं। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकर का मार्केट हर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। कुछ लोग फैशन के लिए फिटनेस वॉच खरीद रहे हैं तो कुछ लोग फिटनेस के लिए। जो भी हो, लेकिन ये अच्छे परिवर्तन की निशानी है। जो हमारा पिछला वीडियो था स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज वाला वीडियो, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो को आप पहले देख लीजिए ताकि कैलोरी क्या है और क्यों कैलोरी कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाए। पिछले वीडियो के बारे में कुछ लोगों को सवाल था कि आपने सिर्फ रोटी की बात क्यों की, आपने सिर्फ रोटी का एग्जांपल क्यों दिया, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने रोटी का एग्जांपल कंसिस्टेंटली इसलिए रखा था क्योंकि सिर्फ एक रोटी की कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए उसमें 7 फैक्टर्स रिस्पांसिबल है। अगर आपको किसी भी फूड की कैलोरीज कैलकुलेट करनी है तो आपको उसे हर तरह से देखना होगा, मतलब कि आप उसमें कितना ऑयल ऐड कर रहे हो, आप उसमें कितनी शुगर ऐड कर रहे हो, आप जो फूड खा रहे हो उसकी लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, यानी कि उस फूड को हर तरह से चेक करना होगा कि जो इंटरनेट पर दिखा रहे हैं और मैं अपने घर पे जो यूज कर रहा हूं उसमें क्या डिफरेंस है, तभी जाकर आप एग्जैक्ट कैलोरीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और सही मानो तो यह करना बहुत ही डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है और बोरिंग भी है। तो अब बात करते हैं फिटनेस ट्रैकर की। आज मार्केट में 500 रुपए से लेकर 50,000 से भी ज्यादा कीमत के फिटनेस ट्रैकर मिलते हैं और इसलिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि यह जो फिटनेस डिवाइस हमें जो डेटा दिखाते हैं वो सही में कितने एक्यूरेट है। यह डेटा को बिना सोचे समझे अगर हम यूज करेंगे तो यह डेटा हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पहले तो यह देखते हैं कि कैलोरी बर्निंग कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी अभी कितनी कैलोरी बर्न कर रही है। कैलोरी बर्निंग मेजर करने के लिए हम 3 मेथड की बात करने वाले हैं। सबसे पहली मेथड जो है वो है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री टेस्ट। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री टेस्ट एक आइसोलेटेड कैबिन में होता है, यानी कि एक बंद कैबिन में, जिसमें एक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए या तो साइकिल चलाता है या तो ट्रेडमिल यूज करता है और उस निश्चित समय के दरमियान उसका बॉडी जो हीट जनरेट करता है, उसका बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को, उस हीट को मेजर करके के साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि उसका बॉडी अभी कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है। पिछले वीडियो में स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैलोरी जो है वो ऊर्जा को, एनर्जी को मापने का यूनिट है और इसलिए ड्यूरिंग वर्कआउट जो हमारा बॉडी इस आइसोलेटेड कैबिन में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है, उसे मेजर करके साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि हमारा बॉडी इस वक्त कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है। यह टेस्ट का अंदाजा काफी हद तक सही होता है, लेकिन डायरेक्ट कैलोरी टेस्ट करना काफी महंगा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। दूसरी मेथड है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री टेस्ट। इस टेस्ट में सब्जेक्ट के फेस पर मास्क लगाया जाता है और उस मास्क के जरिए वो श्वास में कितना ऑक्सीजन ले रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है उसे मेजर किया जाता है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति इस वक्त कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है। जितना कैलोरीज ज्यादा बर्न कर रहा होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और उतना ही ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। यह टेस्ट ज्यादातर स्पोर्ट्स में एथलीट की कार्डियोरेस्पिरेटरी पावर VO2 मैक्स टेस्ट करने के लिए किया जाता है और हार्ट पेशेंट या फिर नॉर्मल लोगों का कार्डियो फिटनेस चेक करने के लिए भी यह टेस्ट किया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट की निगरानी में किया जाता है, जो डॉक्टर है वो क्लिनिकल सेटिंग में यह टेस्ट करते हैं। तीसरी मेथड है जो कि हमारे फिटनेस बैंड्स है वो कैलोरी बर्निंग मेजर करते हैं। तो सवाल यह है कि यह फिटनेस ट्रैकर जो कैलोरी बर्निंग हमें दिखाते हैं वो किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से इसे पता चलता है कि इस वक्त हमारा बॉडी कितना कैलोरी बर्न कर रहा है, ड्यूरिंग वर्कआउट हमारा बॉडी कितना कैलोरी बर्न कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। फिटनेस ट्रैकर से कैलोरी बर्निंग का अनुमान लगाने के लिए आपको कुछ डेटा जो है वो फीड करने पड़ते हैं, जैसे कि एज, आपकी उम्र, आप पुरुष हो या महिला, आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी मूवमेंट, यानी कि आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, एंड हार्ट रेट, जो कि वो डिवाइस खुद ही मेजर कर लेगा। कुछ ट्रैकर्स में आपको स्किन टाइप बी डालनी होगी और कोई हार्ट की मेडिसिन ले रहे हो जो कि आपके हार्ट रेट को लिमिट करता हो, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी ताकि वो ट्रैकर ठीक से आपका कैलोरी बर्निंग और कार्डियो फिटनेस मेजर कर सके। इन पैरामीटर्स को चेक करने के बाद जो फिटनेस ट्रैकर है उसमें प्रोसेस होने के बाद जो कैलोरी बर्निंग की वैल्यू है वो
हमें दिखाता है। अगर ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अब जिस वॉच में या मोबाइल के एप्लीकेशन में आपने आपके सारे डेटा नहीं डाले, मतलब कि आपकी उम्र कितनी है, पुरुष हो या महिला हो, हाइट, वेट, इस तरह के डेटा फीड नहीं किए हैं, तो वह जो डिवाइस आपको जो कैलोरी बर्निंग दिखा रहा है वो एक्यूरेट नहीं होगा। वो सिर्फ एक एस्टिमेट होगा। उसमें जो एल्गोरिथम फीड किया गया है, जो इक्वेशन डाली गई है, वो एवरेज वैल्यू पकड़ के जो होगी टेबल में वही आपको दिखाए, और इस पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपका ट्रैकर हार्ट रेट मॉनिटर नहीं कर रहा है, यानी कि हार्ट रेट को चेक नहीं कर रहा है, और उसके बावजूद भी अगर वो कैलोरी बर्निंग दिखा रहा है, तो वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बिना हार्ट रेट के आपका ट्रैकर जो है वो आपकी इंटेंसिटी मेजर नहीं कर सकता है। इसलिए वो जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ एक एस्टिमेट होगी। 2017 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च किया था। इस रिसर्च में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस वक्त मिल रहे मार्केट में 7 बेस्ट सेलिंग फिटनेस ट्रैकर को एनालाइज किया था, उसकी एक्यूरेसी को चेक किया था, इंक्लूडिंग एप्पल फिटनेस वॉच एंड फिटबिट। यह रिसर्च कुल 60 लोगों पर किया गया था। सारे लोगों को ये 7 जो वॉच थे अलग अलग तरह की वो पहनाई गई थी, और उसके साथ में इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर टेस्ट भी किया गया था, यानी उनको फेस मास्क लगाकर उसी वक्त उनका इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर टेस्ट भी हुआ था। उस रिसर्च का नतीजा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उस रिसर्च में यह पाया गया कि 7 में से 6 वॉच ने हार्ट रेट मॉनिटरिंग लगभग बराबर किया था, यानी कि हार्ट रेट की वैल्यू बराबर दिखाई थी, लेकिन जब बात एनर्जी एक्सपेंडिचर की आई, यानी कि जब बात कैलोरी बर्निंग की आई, तो इस 7 में से 1 भी वॉच जो है वो इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर टेस्ट के नजदीक नहीं थी, यानी एक भी फिटनेस ट्रैकर की वैल्यू 100% एक्यूरेट नहीं थी। इन 7 फिटनेस ट्रैकर में से जो सबसे अच्छा रिजल्ट था वो एप्पल की फिटनेस वॉच का था। हालांकि उसके डेटा में भी 23% की एरर थी, लेकिन बाकी के जो 6 ट्रैकर थे उसके सामने एप्पल वॉच का परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक था। कैलोरी बर्निंग की वैल्यू सही ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि जितनी भी BMR की कैलकुलेशन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है, जैसे कि मिफ्लिन एंड जॉर इक्वेशन है, हैरिसन बेनेडिक्ट इक्वेशन है, इन सारे इक्वेशन में बॉडी कंपोजिशन को कंसिडर नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आपके बॉडी में कितना लीन मसल मास है, कितना फैट मास है, यह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। और यह बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके बॉडी में लीन मसल मास ज्यादा है, तो समझ ले कि आपके सामने दूसरा व्यक्ति है जो कि आपके जितना ही वेट है और आपकी जितनी हाइट है, लेकिन उसके बॉडी में फैट का अमाउंट ज्यादा है। तो जब आप दोनों एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा, क्योंकि आपके बॉडी में ज्यादा मसल है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके बॉडी में फैट का अमाउंट ज्यादा है वो ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करेगा, क्योंकि मसल टिश्यू ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू फैट टिश्यू। मसल्स जो है वो 3 से 4 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं फैट के कंपेयर में। इसलिए बॉडी में मसल्स को स्टोर करने के लिए भी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा मसल मतलब कि ज्यादा कैलोरी बर्निंग, और इसलिए जो फिटनेस ट्रैकर है वो आम लोगों का जो कैलोरी बर्निंग है वो शायद बराबर दिखा सकता है, लेकिन जो लोग हाईली एथलीट है, जो लोग हाईली मस्क्यूलर है, या फिर जो लोग ओवरवेट या ऑबेस लोग है, उनके कैलोरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। शायद फिटनेस ट्रैकर इन लोगों के वैल्यू जो है वो ओवर एस्टिमेट करे या अंडर एस्टिमेट करे। चलो अब ये मान लो कि फिटनेस ट्रैकर के डेटा है वो बिल्कुल सही है, 100% एक्यूरेट है, लेकिन उसके बाद भी इस डेटा का, इस कैलोरी बर्निंग रिपोर्ट का आप करोगे क्या? आप डाइट तो कैलोरीज बर्निंग के अकॉर्डिंगली सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है कि कैलोरी कैलकुलेट करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाहे किसी भी फूड की कैलोरीफिक वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो, या फिर हमारे बॉडी कितना कैलोरी बर्न कर रहा है उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, दोनों ही प्रोसेस अपने आप में डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो हम फिटनेस ट्रैकर यूज कर रहे हैं वो यूजलेस है। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है। मान लीजिए कि वो रफ एस्टिमेट है, 100% एक्यूरेट नहीं है, बट 90% एक्यूरेट है, 80% एक्यूरेट है, तो भी आप उस वैल्यू को बेस वैल्यू पकड़ के चल सकते हो। मतलब कि आप उस वैल्यू को अपनी बिगिनर वैल्यू पकड़ के चलिए, और उस वैल्यू के बेस पर आप अपना गोल सेट कीजिए और उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपका फिटनेस ट्रैकर पूरे दिन में आपकी 1000 कैलोरीज एक्टिव कैलोरी बर्निंग दिखा रहा है, तो आप गोल सेट कर सकते हो कि आने वाले कुछ दिनों में आप हर रोज 1100 या 1200 एक्टिव कैलोरीज बर्न करोगे। या फिर जो आप एक्सरसाइज सेशन कर रहे हो जिसके अंदर आप 200 कैलोरी बर्न कर रहे हो, तो उस बेस वैल्यू को पकड़ के चलिए और आप टारगेट बनाए कि आने वाले 10 दिन में, आने वाले 1 महीने में इस 200 की जगह पर मैं 250-300 कैलोरीज बर्न करने की एफिशिएंसी डेवलप करूंगा। मतलब कि हमारा फिटनेस ट्रैकर जो हमें डेटा दिखाता है, उस डेटा को बेस वैल्यू पकड़ के चलिए, उसके सामने गोल सेट कीजिए और उस गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए, तभी सही मायने में हमारा जो फिटनेस ट्रैकर है वो हमें हेल्प करेगा हेल्दी और फिट रहने में। अब देखते हैं फिटनेस ट्रैकर हार्ट रेट को सही से मॉनिटर करते हैं या नहीं करते हैं। हार्ट रेट लगभग सभी ट्रैकर ठीक से मेजर करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में भी यही बात को पुष्टि मिलती है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप
आप अभी बैठे बैठे अपनी रेडियल आर्टरी के जरिए अपने हार्ट रेट मेजर कर सकते हो। रेडियल आर्टरी के पास अपनी पहली दो उंगलियां रख के आप 60 सेकंड के लिए अपने पल्स चेक कीजिए। 60 सेकंड में जितने पल्स आता है उसे लिख लीजिए और उसके बाद आपके पास जो फिटनेस ट्रैकर है उसे मेजर करने दीजिए और वो जो वैल्यू दिखाता है उसे भी पेपर में लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर दोनों नियरली सेम है तो समझ लीजिए कि आपका जो फिटनेस ट्रैकर है वो ठीक से हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है। अब देखते हैं फिटनेस ट्रैकर स्टेप्स कितने सही से दिखाता है। आपका फिटनेस ट्रैकर स्टेप्स को सही से काउंट करे इसलिए आपको 5 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, एक्यूरेट स्टेप काउंट के लिए आप जो फिटनेस ट्रैकर यूज करते हो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में आपकी प्रोफाइल अच्छे से भर दो, यानी कि उस प्रोफाइल में आपका हाइट, आपकी वेट, आपका जेंडर एंड आपकी उम्र सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद फिटनेस डिवाइसेस के जो सेंसर थे वो मूवमेंट को सेंस करके एक्यूरेट स्टेप दिखाते हैं। अगर ये डेटा फिट नहीं करोगे तो हो सकता है आपका डिवाइस आपके स्टेप को ओवर एस्टिमेट करे या अंडर एस्टिमेट करे, यानी कि आपने जो एक्चुअल में स्टेप चले हैं उसे ज्यादा भी दिखा सकता है और उसे कम भी दिखा सकता है। स्टेप नंबर 2 ये है कि काफी फिटनेस ट्रैकर्स को नॉन डोमिनेंट आर्म में पहनना होता है, यानी कि जो इंसान राइटी है उसको अपने लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए और जो इंसान लेफ्टी है उसे अपने राइट हैंड में पहनना चाहिए। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिवाइस की मैनुअल को रिफर कर सकते हो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा डोमिनेंट आर्म होता है जिससे हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, जैसे कि किचन में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या ऑफिस में कुछ फाइल्स यहां वहां रख रहे हैं तो हम ज्यादातर जिस हाथ को यूज करते हैं उसकी वजह से उसकी मूवमेंट को सेंस करके जो सेंसर थे वो स्टेप दिखा सकते हैं। इसलिए ज्यादातर जो फिटनेस डिवाइस है वो नॉन डोमिनेंट आर्म में पहनी जाती है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। स्टेप नंबर 3 यह है कि काफी सारी फिटनेस डिवाइस स्लो मूवमेंट को मेजर नहीं करती, यानी कि आप घर में जो छोटा मोटा काम करते हो या ऑफिस में छोटा मोटा काम करते हो जो थोड़ा बहुत चलना होता है उसे वो मेजर नहीं करता है क्योंकि वो मूवमेंट बहुत ही छोटी होती है, वो उसके सेंसर सेंस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो पहले से आप अपनी प्रोफाइल के डेटा चेक कर लीजिए कि आपने हाइट, वेट, एज, जेंडर बराबर डाला है या नहीं डाला है, लेकिन उसके बाद भी यह प्रॉब्लम कंसिस्टेंट है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उतने स्टेप्स को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, अगर आपको अपने फिटनेस ट्रैकर के स्टेप काउंट पर डाउट है तो अभी आप देख लीजिए कि आपकी वॉच कितने स्टेप दिखा रहा है और फिर आप खड़े हो जाइए और 100 कदम चलिए, 100 स्टेप चलना है और उसके बाद चेक कीजिए कि आपकी वॉच में 100 स्टेप प्लस हुए या नहीं। अगर आपकी वॉच ज्यादा स्टेप दिखा रही है इसका मतलब यह है कि आपके जो पूरे दिन के स्टेप आपको जो करने हैं उसमें 500-1000 स्टेप आपको ज्यादा करने हैं, और अगर आपकी वॉच कम स्टेप दिखा रही है इसका मतलब यह है कि जितने आप स्टेप कंप्लीट कर रहे हो उससे आप ज्यादा ही स्टेप चल रहे हो। स्टेप नंबर 5 है कि काफी ट्रैकर ट्रैवलिंग करते वक्त जो हम कार में, बस में या किसी व्हीकल में ट्रैवलिंग करते हैं तो उसकी मूवमेंट की वजह से, स्पीड की वजह से स्टेप्स काउंट करता है, क्योंकि ये सारे जो ट्रैकर है वो सेंसर के बेस पर काम करते हैं और उसकी वजह से ट्रैकर जो है वो ज्यादा स्टेप दिखाता है। अगर यह प्रॉब्लम है तो आप ट्रैवलिंग करने से पहले चेक कर लीजिए कि आपकी वॉच में कितने स्टेप है और ट्रैवलिंग के बाद में चेक करिए कि आपकी वॉच में कितने स्टेप दिखा रहा है। अगर स्टेप एज इट इज है तो आपकी वॉच के सेंसर काफी अच्छे और आपको चिंता करने का विषय नहीं है, लेकिन अगर आपकी वॉच स्टेप्स काउंट कर रही है तो आप देख लीजिए कितने स्टेप ज्यादा है, उसे माइनस करके बाकी का जो आपका गोल है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे रिसर्च पेपर को स्टडी किया है, बहुत सारे एक्सपर्ट को कंसल्ट किया है, बहुत से लोग जो ऐसे थे जो फिटनेस ट्रैकर को सालों से यूज कर रहे हैं उन सभी लोगों से हमने बातचीत करके यह वीडियो को तैयार किया है। हम आशा रखते हैं कि आज के वीडियो में जो हमने नॉलेज शेयर किया है वो आपको काफी यूजफुल होगा आपको खुद को हेल्दी और फिट बनाने के लिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज वाला वीडियो तो उसे जरूर देखिएगा ताकि आप खुद को बिना कैलोरी काउंटिंग के हेल्दी और फिट बना सको। अगर आप घर पे रहकर खुद को बिना इक्विपमेंट के फिट बनाना चाहते हो तो गेट फिट एट होम वर्कआउट प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट।